Hello, welcome or welcome back to my channel. I'm Shramana Das and I make videos about higher education abroad, jobs abroad and life in Germany. As you all know from my last video that I am pregnant, and that's why I have started a new series known as Pregnancy Series, where I'm going to share all the details about the pregnancy and or if you get pregnant as an expat in Germany. In today's video, I'm going to give you all the details or to-do list or task that you need to do during your second trimester if you are pregnant in Germany as an expat. So without any further ado, let's start the video. Although my first trimester was with full of nausea, vomiting and tiredness, but touch black, my second trimester was actually my golden period. I traveled more than three countries during my second trimester: Austria, Spain, as well as Italy. And I mean, me and my husband, we both enjoyed that phase a lot. I get my energy back. I started eating everything because I am a foodie. So, khana nahi khana mere liye ek problem tha. Jo first trimester mein maine bahut zyada face kiya tha, but second trimester mein I could eat anything. I could enjoy. I could dance. Everything was perfect. Bas ek problem thi, wo thi ki meri hemoglobin thodi low thi, jiski wajah se meri doctor ne mujhe hemoglobin ki dawai di thi. That's all. Now let's come to the to-do list or the to-do task that you need to follow during your second trimester if you are pregnant in Germany. So your second trimester will start when you are 13 weeks pregnant, and by that time you definitely already have selected your gynecologist. Around 14 weeks, gynecologist aapki ek test karayengi jisko hum log Doppler test bhi kehte hain. उसके साथ ब्लड टेस्ट भी होगी एंड स्कैन्स भी होंगे जिसमें बच्चे की ग्रोथ एंड कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है, ये सब टेस्ट कराई जाएगी. एंड इफ़ यू विश, यू कैन ऑल्सो गेट टू नो द जेंडर ऑफ द बेबी ड्यूरिंग योर 14 वीक्स और 13 वीक्स एज वेल. बट उसके लिए आपको अलग से 15 यूरो पे करना पड़ेगा, जो मैंने की थी. बट वो एकदम श्योर हो जाते हो कि क्या जेंडर है. नहीं तो यू कैन एनी वेज लुक इन टू द जेंडर ड्यूरिंग योर 5th मंथ. दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. बट अगर आपको जल्दी जानना है तो आप इस टाइम भी जान सकते. एंड ये जो ब्लड टेस्ट होगी वो सारी इंश्योरेंस पे करेगी. बट जो अल्ट्रासाउंड होती है वो सिर्फ 4 अल्ट्रासाउंड इन ईच ट्राइमेस्टर इंश्योरेंस पे करेगी. अगर उसके अलावा आपको कोई अल्ट्रासाउंड करवानी है तो वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा. सो माई डॉक्टर हैज़ जस्ट रिकमेंडेड कि अगर मैं चाहूँ तो मैं एक 4D स्कैन भी करा सकती हूँ, जिसमें आपको बस बेटर बच्चे की डेवलपमेंट पता चलती है. तो वो भी मैंने अपनी सेकेंड ट्राइमेस्टर, विच इज़ अराउंड 5th मंथ की स्टार्टिंग में, मैंने वो एक 4D स्कैन भी कराया था, जिसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 250 यूरोस पे किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपकी ग्लूकोज टेस्ट होगी, विच इज़ अगेन एट द एंड ऑफ 5th मंथ, जिसमें आपकी ग्लूकोज लेवल टेस्ट किया जाएगा. देखा जाएगा कि आपकी कोई गेस्टेंटेशनल डायबिटीज के चांसेस तो नहीं है. एंड दैट विल ऑल्सो बी पेड बाई द इंश्योरर. बट अगर आपको थोड़ा एक लेवल आगे जाके टेस्ट करना है तो उसके लिए आपको खुद से पे करना पड़ेगा. बट ये सारी चीज़ें आपको गायनोकोलॉजिस्ट बता देंगी. दिस इज ऑल्सो अ गुड टाइम इफ यू वॉन्ट टू inform your employer about your pregnancy. अगर आपने first trimester में already अपने employer को inform नहीं किया तो definitely second trimester को आपको definitely अपने employer को inform करना चाहिए. because once you have informed, submitted your pregnancy certificate from your gynec, उसके बाद ही आपका maternity protection act शुरू होगी. उसके बाद जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क जो आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में करना है वो है स्टार्ट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट बर्थ प्रिपरेशन कोर्स. जैसे मैं फ्रैंकफर्ट में रहती हूँ और मुझे जर्मन नहीं आती है, एंड 80% ऑफ द बर्थ प्रिपरेशन कोर्सेज विल बी इन जर्मन. एक या दो ही कोर्स होंगे जो आपको इंग्लिश में मिलेगा, और उसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है. तो इट्स गुड कि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो एंड बुक योर प्लेस. अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई हिबामा मिलता है जो बर्थ प्रिपरेशन कोर्स करवा रहे हैं इंग्लिश में, तो तुरंत बुक कर लीजिए. अगेन फॉर बर्थ प्रिपरेशन कोर्स
आपकी तो फ्री होगी बट आपके पार्टनर के लिए आपको पे करना पड़ेगा विच इज अगेन अराउंड 170 यूरो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो आपको करना है, स्टार्ट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एल्टनगेल्ड, एल्टनजाइट, किंडरगेल्ड। सो यहाँ पे बच्चा होने के बाद काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जैसे कि एल्टनगेल्ड विच इज़ लाइक पैरेंटल अलाउंस, किंडरगेल्ड विच इज़ लाइक चाइल्ड अलाउंस, और फिर इन सब के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। तो आप पहले से ही चेक करके रखो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो आप वैसे ही अपने डॉक्यूमेंट एटलीस्ट आप प्रिपेयर रहोगे कि आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स कब देना है, क्या टाइमलाइन है, एंड यू विल नॉट मिस देम आउट बिकॉज वंस द बेबी कम्स यू विल बी ऑलरेडी बिजी। नेक्स्ट जो आपको टास्क करना है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आप हॉस्पिटल में भी करा सकते हो या खुद से भी करा सकते हो, बट मुझे लगता है हॉस्पिटल में कराना थोड़ा ईजी होता है। तो आप सारी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही इकट्ठा करके रखो, लाइक योर रेसिडेंस परमिट, योर पासपोर्ट, योर द मदर पासपोर्ट, एज वेल एज योर एंड योर हस्बैंड मैरिज सर्टिफिकेट, अपने हस्बैंड का भी बर्थ सर्टिफिकेट, अपनी बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स भी आप गैदर करके रखो फॉर द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द बेबी। दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट लुकिंग फॉर बेबी नेम्स, ऑर्गेनाइजिंग द बेबी शावर और जेंडर रिवील पार्टी। अगर आप लोग कुछ प्लान कर रहे हो, आई थिंक सेकेंड ट्राइमेस्टर इज द ग्रेट टाइम टू एंजॉय। हमने अपनी जेंडर रिवील पार्टी, अपनी बेबी शावर सब कुछ उसी टाइम करा था एंड वी एंजॉयड अ लॉट। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ करना है देन दिस इज अ ग्रेट टाइम टू डू। दिस आर सम ऑफ द थिंग्स आई हैव डन एंड यस। एंड एक चीज तो मैं बोलना भूल गई थी, वो है कि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपने डॉक्टर से पूछ के अपनी प्रीनेटल योगा भी स्टार्ट कर सकते हो। बी एक्टिव, जनरली यहाँ के डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि आप प्रीनेटल योगा करो, तो आप चाहो तो आप यहाँ पे हिबामेस भी ढूंढ सकते हो। दे डू डिफरेंट क्लासेस फॉर प्रीनेटल योगा फॉर विच यू नीड टू पे, बट आप घर पे भी कर सकते हो, बट स्टार्ट डूइंग इट। सो दैट्स ऑल, आई थिंक दीज आर सम ऑफ द टास्क दैट आई डिड ड्यूरिंग माई सेकेंड ट्राइमेस्टर। बट अगर आप जर्मनी में हो, आप प्रेगनेंट हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, please do comment below and let me know if you like this series, and that's all. I hope you like this video, and if you like it, do not forget to like, share and subscribe, and bye bye. Stay happy, stay blessed.